जहाँ बात आती है गुरु और शिष्य की, वहाँ संबंध मात्र और मात्र प्रेम का है। वहाँ अपेक्षित है श्रद्धा, तुम्हारा संबंध हृदय से है, क्योंकि और कोई भी उपाय नहीं है संबंध करने का। वह संबंध सिर्फ हृदय का है। एक संबंध गुरु से तुम जोड़ते हो, वो संबंध मात्र हृदय का है, प्रेम का है। और जो प्रेम का संबंध है उसमें तुम्हारे लिए श्रद्धा अपेक्षित है। यदि श्रद्धा नहीं है, संबंध भी नहीं है। बिना श्रद्धा के संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं, वो प्रेम का परम रूप है। प्रेम जो है उसको हम तीन अवस्था या तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली जो अवस्था है वो अवस्था है काम की, तुम्हारी वासना की, उसमें भी प्रेम होता है। वो निकृष्टतम रूप है, सबसे निम्न रूप है। जो तुम्हारी सेक्सुअल इंटीमेसी है वो निकृष्टतम रूप है प्रेम का। उत्कृष्टतम रूप, परम रूप जो है वह है श्रद्धा। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि प्रेम का रूप काम भी हो सकता है। काम में हम अगर देखें तो प्रेम जो है वो 1% है, बाकी 99% वासना है। एक मध्य का और भाग है जिसमें 50% प्रेम है, 50% वासना है। यदि जीवन में किसी को इस प्रकार का भी प्रेम होता है कि 50% उसे प्रेम है और 50% वासना है, वह भी बहुत कुछ पा सकता है। उसका जीवन भी एक तरह से बदलता हुआ महसूस होता है। एक तीसरा रूप है जिसको हम कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा में जो है प्रेम 99% है और वासना 1% भर बसती है। ये 1% जो वासना बसती है, कौन सी वासना है? ये जो 1% वासना है, ये वासना है मुक्त हो जाने की, मुक्ति की। श्रद्धा में जो 1% वासना है वह है मुक्त होने की वासना, मुक्ति की वासना। और जो प्रेम में 1% प्रेम है, काम में जो 1% प्रेम है, बाकी 99% तो वासना है। ये जो 1% प्रेम है, ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम है बंधे रहने का, मुझसे छूट ना जाए, मैं उससे अलग ना हो जाऊं। काम में 1% जो प्रेम बचता है तुम्हें, वो प्रेम है कि मैं अलग ना हो जाऊं, टूट ना जाऊं। और वो जो 1% जो तुम्हारा प्रेम है वह भी इतना गहरा हो सकता है जिसे तुम जानते हो। उसमें तुम जब कोई तर्क देना चाहो, यदि तुम चाहो प्रेम के संबंध में कि तुम तर्क दे पाओ कि तुम्हें किसी स्त्री से, तुम्हें किसी पुरुष से प्रेम क्यों हुआ, तो तुम तर्क नहीं दे पाओगे, प्रेम हो गया। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम किसी स्त्री से, किसी से प्रेम किया तो तुम सारी चीज़ सोच लिए कि ये जो स्त्री है मेरे बच्चों की माँ ठीक ठीक बनेगी या ना बनेगी, ये मेरे घर को ठीक से संभाल पाएगी या ना संभाल पाएगी। बस प्रेम हो जाता है, फिर बाद में अपने आप को तुम सांत्वना देते रहते हो कि संभाल लेगी, कर लेगी, ये भी कर लेगी, और ना भी कर पाई तो ठीक है, प्रेम तो है। जब प्रेम होता है, वो जो 1% प्रेम है वह भी इतना गहरा है कि और सब चीजें भुला देता है, तुम सब भूल जाते हो, बस तुम्हें हो जाता है। अब तुम तर्क देना चाहो कि तुम्हें ये क्यों पसंद है, तो तुम तर्क खोज सकते हो, वो तुम खोजोगे, लेकिन तुम स्वयं भी नहीं जानते कि तुम्हें क्यों पसंद आया कोई, बस आ गया,
उसमें कोई तर्क नहीं, तर्क दे नहीं सकते। तुम्हें कोई ठीक लगा, तुम्हें कोई अच्छा लगा, प्रेम हो गया। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है पुरुष और स्त्री को साथ रख दिया जाता है, परिवार उन्हें चुन लेते हैं, साथ रहते रहते प्रेम हो जाता है। हो सकता है कि हो जाए और हो सकता है ना हो, दोनों एक दूसरे की मजबूरी हो सकते हैं, हो सकता है। लेकिन यदि तुम्हें किसी से प्रेम होता है, अब वो प्रेम जो है उसमें तुम याद रखना कि जो है प्रेम, तुम्हारा जो प्रेम है उसमें 99% वासना है। प्रेम से तुम चालू तो करते हो लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वासना जो है, कारण जो है, तुमने किसी से प्रेम किया, तुमको कोई अच्छा लगा, तुमको कोई अच्छी लगी, वो इसलिए लगी कि वो खूबसूरत थी, तुमको देखने में अच्छी लग रही थी, कोई कारण था। क्योंकि वासना है वहाँ कारण है, कोई कारण से तुम्हें कोई ठीक लगता है। अब हो सकता है वो बूढ़ी हो जाए, उसके मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाए, जो तुमने चाहा था वैसी वो ना दिखती हो, तो धीरे धीरे वो प्रेम भी हवा होने लगेगा। और हमारे भारतीय संस्कृति में मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे हैं, प्रेम तो कब का हवा हो चुका लेकिन लोग साथ रहते हैं।